हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल द आईपीएल प्रिडिक्शन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का जो मैच होने वाला है 8th मैच, वो जो है कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेज सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में होने वाला है। 8th मैच है जी हाँ दोस्तों। तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं ड्रीम इलेवन प्रिडिक्शन के बारे में। पिछले मैच में जो मैंने प्रिडिक्शन किया था उसमें आप लोगों को काफ़ी अच्छा फायदा हुआ होगा, क्योंकि पिछले मैच में मैंने आपको बहुत अच्छा बताया था। मैं अभी आपको दिखाता हूँ ड्रीम इलेवन में जो मैंने टीम बनाई थी, उसमें से आप अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे तो आपको निश्चित ही वहाँ डेडलाइन ओपन होने से पहले ही मैं आपको एक वीडियो बनाता हूँ या उसमें अपना टीम कोड शेयर करता हूँ। आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हो कि मैंने किसको कैप्टन वाइस कैप्टन बताया, पॉइंट के अकॉर्डिंग बनाया हूँ। आप भी अपना उसमें जो भी सजेशन हो दे सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स चेक इट। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं SRH वर्सेज कोलकाता नाइट राइडर्स। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आज का मैच जो होने वाला है कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें पिच रिपोर्ट के भी बारे में और प्रिडिक्शन भी थोड़ा सा कर लेंगे। तो देखिए, आज का जो मैच होने वाला है कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेज SRH, थोड़ा सा ओपन होने। तो फ्रेंड, जो भी आज बनाने वाले हैं, देखिए कैप्टन टीम जो बनाने वाले हैं उसमें मैं आपको तीन एक्सपर्ट जो हैं जो मोस्ट पिक प्लेयर होने वाले उसके बारे में भी मैं बताने वाला हूं कि जो भी आज टीम बनाएगा उसमें तीन ये बैट्समैन जरूरी रखेगा। तो आप मेरे अकॉर्डिंग करते हो तो जैसे कि मोस्ट पिक प्लेयर में आपका जॉनी बैरिस्टो, सुनील नारायण और डेविड वार्नर है। इन तीनों को आज 100% जो है मिली एक्यूरेसी की इनको हमेशा लिया जाएगा। और जो जो टीम भी बनी है उसके बारे में भी, जो आज का वेन्यू रहने वाला है वो अबू धाबी में होने वाला है शेख जायद स्टेडियम में। पिच रिपोर्ट के बारे में बात करें तो बैलेंस रहने वाला, एवरेज स्कोर 156 बता रहा है और वेदर रिपोर्ट क्लियर स्काई रहने वाला। टेम्परेचर जो रहने वाला है आज का 34.29 सेल्सियस। और प्लेयर स्टेटस के बारे में हम लोग बात करते हैं तो टॉप प्लेयर में एवरेज लिया जाए तो सिद्धार्थ बॉलर में हो जाएगा और मावी हो जाएगा बॉलर में, नीतीश राणा ऑलराउंडर में हो जाएंगे। टीम कंपेरिजन भी हम लोग कर लेंगे प्रीवियस में। तो पहले हम लोग और भी देख लेते हैं यहाँ से, जैसे मोस्ट जो प्लेयर हैं इनके बारे में। तो यहाँ से देखिए जो आज का मैच के बारे में हो जाए, विन प्रिडिक्शन के बारे में देख लिए तो ये एक्सपर्ट बता रहे हैं यहाँ से कोलकाता नाइट राइडर्स जो 67%। वहीं SRH की हम लोग बात कर लेते हैं तो उसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे 33%। तो आज का जो मैच का विन प्रोडक्शन, आप भी बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कि आपकी जो राय है कौन सा मैच जीत सकता है। तो विन प्रोडक्शन जो है वैसे बताया जा रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स को 67% और सनराइजर्स को 33%। तो मैंने आपको यहाँ बता दिया बैटिंग पिच 33% है, बैलेंस पिच 67% है, बॉलिंग पिच 0% है, पिच इज गुड फॉर स्पिन बॉलिंग 60%। और देख सकते हैं यहाँ पर आपको पेस के लिए भी। तो यहाँ से देखिए जो टॉप सेलेक्टेड प्लेयर्स हैं उसमें से जॉनी बैरिस्टो को देखिए, ये रोल इनका विकेट कीपर का 100% सेलेक्ट इनको किया जाएगा। सुनील नारायण ऑलराउंडर हैं, इनको भी 100% और डेविड वार्नर बैट्समैन 100%। तो अब चलिए कुछ जो है टीम आपको यहाँ मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि इसमें फर्स्ट टीम ये मेरी पड़ी हुई है। तो यहाँ से देखिए विकेट कीपर के तौर पर हमने टीम फर्स्ट जो बनाई हुई है जॉनी बैरिस्टो है, एक्सपर्ट द्वारा बनाई हुई टीम है जिसमें शुभमन गिल, डेविड वार्नर को कैप्टन, मनीष पांडे और आपके ये ए शर्मा जी हैं, सुनील नारायण, आंद्रे रसेल, नीतीश राणा भी आप। और यहाँ पे देखिए कैप्टन वाइस कैप्टन भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे वाइस कैप्टन जो है आंद्रे रसेल को बनाया गया है और कैप्टन डेविड वार्नर को बनाया गया है। वैसे ही सेकंड टीम जो रहने वाली है उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ से देख सकते हैं इसमें भी डेविड वार्नर को कैप्टन, वाइस कैप्टन सुनील नारायण, इससे पहले कैप्टन डेविड वार्नर और आंद्रे रसेल थे। और थर्ड टीम है उसमें जॉनी बैरिस्टो को कैप्टन, वाइस कैप्टन सुनील नारायण को बनाया गया है। वैसे जॉनी बैरिस्टो इसमें भी कैप्टन है, आंद्रे रसेल भी है, ये एक्सपर्ट द्वारा बनाई हुई है। आप भी बना सकते हो अपनी टीम और कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग बता सकते हो। तो यहाँ से देखिए विकेट कीपर जॉनी बैरिस्टो, शुभमन गिल, डेविड वार्नर कैप्टन। तो इस तरीके से जो ऑलराउंडर को बॉलर को सबको सेट किया गया है, आप लोग भी दे सकते हो। तो टॉप पिक्स में डेविड वार्नर, सुनील नारायण और जॉनी बैरिस्टो, आंद्रे रसेल को लिया गया है। वहीं हम कैप्टन पिक्स की बात कर लेते हैं तो कैप्टन में देखिए डेविड वार्नर, वाइस कैप्टन सुनील नारायण, जॉनी बैरिस्टो को भी कैप्टन लिया जा सकता है। जो थर्ड टीमें रहने वाली हैं एक एक करके हम लोगों ने सब लगभग देख लिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं फैन कोड की,
जो 8 घंटे बाद आपका मैच स्टार्ट होने वाला है। तो आज का स्क्वाड जो रहने वाला है कोलकाता नाइट राइडर्स का, आप लोग देख सकते हो ऊपर से दिनेश कार्तिक मॉर्गन, ठीक है, यहाँ से मैं आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ दोनों स्क्वाड। उसके बाद मैं आपको और फैन कोड के माध्यम से भी दिखाने वाला हूँ। तो ये रही आज की स्क्वाड, अब हम लोग चलते हैं। आज का मैच बहुत ही क्लोज इनकाउंटर होने वाला है, तो दोनों ही बहुत ही तगड़ी टीम है। अब हम सनराइजर हैदराबाद की बात करते हैं स्क्वाड की, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं डेविड वार्नर, राशिद खान, संजय यादव, तीनों लोगों ने मैच खेला। आज का स्क्वाड यही रहने वाली है। बाकी मैं आपको जो 7:30 बजे से पहले एक वीडियो आती है, यानी 7:30 बजे से मैच स्टार्ट होता है, तो 6-6:30 बजे के आसपास एक वीडियो आएगी, उसमें आपको पता चल जाएगा कौन कौन से प्लेयर जो हैं आज की मैच में खेलने वाले हैं। तो मैं आपको यहां से दिखा दे रहा हूं आज का जो स्क्वाड रहने वाला, इसी में से आप लोग को सेलेक्ट करना होगा सनराइजर्स हैदराबाद का। बाकी मैं आपको उसका भी दिखा दे रहा हूँ, तो ये रही। और आज का सनराइजर्स हैदराबाद का तो हम लोग देख ही चुके हैं, अब कोलकाता नाइट राइडर्स की देख लेते हैं। यहाँ पे स्क्वाड हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए दिनेश कार्तिक, शिवम मावी, संदीप वारियर, कुलदीप यादव, योन मॉर्गन, पैट कमिंस, सुनील नारायण, निखिल नायक, तो ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ से, सब कुछ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। बाकी मैं ड्रीम इलेवन में भी ले चलता हूँ वहाँ से। दोस्तों ये सब मैंने आपको दिखा दिया आज के स्क्वाड, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको यहाँ का कल का दिखा सकता हूँ, देखिए कल मैंने इसमें जीता भी है आपको, 465.5 हरा के दिखाऊँ, मेरी टीम थी 166 रुपये, ठीक है, तो यहाँ मैंने 66 रुपये जीता भी है कल का मैच। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो मैंने टीम बनाई थी उसमें 44 रन से दिल्ली कैपिटल जीत गई थी। तो चलिए मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या टीम बनाई थी। इसमें कैप्टन फाफ डुप्लेसिस को बनाया था, वाइस कैप्टन कगिशो रबाड़ा को बनाया था, तो ये देख सकते हैं जो मेरी टीम थी, ऋषभ पंत, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, वॉटसन, फाफ डुप्लेसिस और मार्कस स्टोनिस, रविंद्र जडेजा, सैम करन और अमित मिश्रा, कगिशो रबाड़ा, दीपक चहर। तो ये मैंने 2 टीम बनाई थी जिसमें एक टीम ने मैंने विनिंग, सेकेंड टीम ने थोड़ा सा मुझे निराश कर दिया था क्योंकि उसमें जो बैट्समैन मैंने बनाए थे कैप्टन वाइस कैप्टन। तो चलिए और मैं आपको दिखा देता हूँ आज की टीम के बारे में। तो आज का जो मैच होने वाला है इसमें से देखिए आप लोग जो एंट्री लगा सकते हो छोटे वाली एंट्री लगाइए, क्योंकि बड़े वाले में थोड़ी सी रिवॉर्ड का भी कमाल रहता है, इस वजह से मैं छोटा ही, अगर आप न्यू कंटेस्ट हो तो आपको नए छोटे ही ज्वाइन करना चाहिए। यहाँ से देखिए चलिए क्रिएट टीम के बारे में हम लोग जैसे बात कर लेते हैं, तो जॉनी वरिष्ठो के बारे में कर लेते हैं, ये लास्ट मैच में खेले थे, इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए इनको जो पॉइंट्स मिल रहे हैं 101 ड्रीम टीम की तरफ से पॉइंट्स मिले हैं और क्रेडिट 9.5 का है और इनको लोग सेलेक्टेड कर रहे हैं 84.15%, तो इनको तो आप लोग ज़रूर टीम में रखिएगा। वहीं हम लोग दिनेश कार्तिक की बात कर लेते हैं, तो इनको भी 36.04% 39 पॉइंट इनको भी मिले हैं और राइट हैंड के बैट्समैन हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर इनको भी देख लेते हैं, लास्ट मैच में ये भी खेले हैं, जो जो लास्ट मैच में खेले उन्हीं की बस हम लोग बात करने वाले हैं। निखिल नाइक की बात कर लें तो इनको भी सेलेक्ट लोग 5.18%, यानी उन दोनों को ज़्यादा कर रहे हैं, इनको 13 पॉइंट्स मिल रहा है। तो बात यहाँ बैट्समैन में हम कर लोग डेविड वार्नर की, तो डेविड वार्नर की इनको देखिए 71.27% लोगों ने सेलेक्ट किया है 11 पॉइंट के साथ, क्रेडिट है इनको 10.5 का और ये लास्ट मैच में बता रहे हैं। वहीं हम लोग केन विलियमसन की बात कर लेते हैं, तो इनको भी 9.42 लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, 0 पॉइंट के साथ हैं ये। और योन मॉर्गन को देख लीजिए, वैसे सबको इनको भी सेलेक्ट लोग 75% कर रहे हैं, तो आप इनको ले सकते हो। मनीष पांडे की बात कर ले तो इनको भी 59% लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। सिद्धार्थ लेट की बात कर ले इनको लोग 0.49% कर रहे हैं। राहुल त्रिपाठी इनको 3.29, तो मैं आपको सबको दिखा दे रहा हूँ। ऑलराउंडर की बात करें तो आंद्रे रसेल में 69.9% इनको लोग सेलेक्ट किए 42 पॉइंट के साथ। वहीं सुनील नारायण की बात करते हैं, सुनील नारायण की हम लोग बात करते हैं तो ये 62.6% इनको सेलेक्ट किया जा रहा है ऑलराउंडर में। नीतीश राणा की 35.8% 32 पॉइंट के साथ इनको भी सेलेक्ट किया जा रहा है। और वहीं मोहम्मद नबी को देखा जाए तो 7.7% लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। विजय शंकर हैं,
इनको भी 42% लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। और बॉलर की बात कर लें तो यहाँ से राशिद खान के बारे में हम लोग देख सकते हैं, 69.4% लोग इनको भी सेलेक्ट किए हैं, और इनको 52. पैट कमिंस को 52.38% सेलेक्ट किए गए हैं। और वहीं भुवनेश्वर कुमार की बात कर ले तो 64.7% लोगों ने, लेकिन पॉइंट जो इनके भी चार हैं। कुलदीप यादव की बात कर ले तो 57.19% सेलेक्ट किए गए हैं। सिद्धार्थ कौल की बात कर लें तो इनको 1.39%, वहीं लुकी फर्ग्यूसन की बात कर ले 2.53%। तो दोस्तों ये रहा सेलेक्टेड जो मैंने आपको दिखा भी दिया है यहाँ पे, बाकी मैं आपको टीम बनाऊंगा तो सब कुछ दे ही दूंगा, वहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो आप लोग प्लीज़ जाके, आप लोगों को मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, तो वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को, द IPL प्रिडिक्शन उसका भी नाम है। ओके, तो मैच स्टार्ट होने वाला है 8:26 में, तो आप लोग भी अपनी टीम बना सकते हो। और कोई भी ये 49 वाला लीग नहीं लगाएगा मेरे तरफ से, आप अपने अकॉर्डिंग से भले लगा सकते हो, क्योंकि इसमें जो है रोबोट के ज़्यादा चांसेज होते हैं। बाकी छोटे लगाइए लीग, अगर आप नए स्टूडेंट हो छोटे लगाइए, आपको पक्का बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए फिर मैं आगे आता है जो उसमें प्रिडिक्शन करता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, देखते रहिए द IPL प्रिडिक्शन। थैंक यू।